शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना महामारी के कठिन समय में डॉक्टर, पुलिस, आरोग्य कर्मचारी घरों से बाहर निकलकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए ये कोविड योद्धाएं अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन लोगों द्वारा इन्हीं पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक घटना स्वास्थ्य निरीक्षक संजय करिहार के साथ हुआ है। कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर, पुलिस और आरोग्य कर्मचारी दिन रात अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन लोगों द्वारा इन्हीं पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना शुक्रवार को सामने आई है। शहर के गिट्टी खदान परिसर में स्वास्थ्य निरीक्षक संजय करिहार अपने कर्तव्य पर थे। इसी समय एक महिला बच्चों के साथ बिना मास्क लगाए जा रही थी, तो स्वास्थ्य निरीक्षक करिहार ने महिला को मास्क लगाने की बात कही, तो महिला द्वारा अपशब्दों में करिहार को कहा सुनी की गई। उसके बाद करिहार ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को कॉल किया, तो महिला ने उनसे भी अपशब्दों में बातचीत की। मैं अपने कर्मचारी को वायुसेना गेट के सामने से शिपिंग के काम के लिए झड़ाई के लगाया था। मैं मेरे मित्र सोनू जायसवाल के साथ में हजारी पहाड़, उसी रोड से आगे हजारी पहाड़ गोकुल स्कूल के पास से गुजरते समय मुझे स्कूल के गेट के सामने एक महिला और दो बच्चे बिना मास्क, बिना ग्लव्स लगाए हुए दिखे। मैं सोनू भैया को बोल के गाड़ी रुकाया और हमने उनको इंटीमेशन दिए कि मैडम आप ये छोटे बच्चे हैं, आप इनको मास्क, ग्लव्स लगाइए और आप भी लगाइए। तो मेरे से पूछने लगी, तू कौन है, तू क्या बता रहा मेरे को आके यहाँ पे, तू कहाँ से आया? तो मैंने बताया कि मैंने अपना परिचय दिया, मैडम नागपुर महानगर पालिका से हूँ, संजय करिया स्वास्थ्य निरीक्षक। तो बोले मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, बोले और तू मेरे को क्या समझा रहा, हमको सब समझता, मेरे से मुंहबाजी करने लगी और नियम कायदे कानून मेरे को समझाने तुमको अधिकार। मैंने पीछे से हट के मैडम के बच्चों की फ़ोटो निकाले ताकि मेरे पास में प्रूफ रहे कि बिना मास्क, बिना ग्लव्स के ये लोग बिना सैनिटाइज किसी भी मैंने अपने नियम का उल्लंघन करते मुझे पाए गए, इसलिए मैंने उनका फ़ोटो निकाल के अपने। तो वो फ़ोटो निकाले क्यों, इस विषय वाद विवाद करने लगे, मेरे से बातचीत करने लगे। फिर मेरे साथ में जो सोनू भैया जायसवाल थे, उन्होंने बताया कि उनको एक मित्र की बहन है। तो मैंने बोला, मैंने हाथ जोड़ कर उनसे माफ़ी मंगा कि मैडम अगर आपको कुछ गलत लगाऊंगा, आज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर प्रिंसिपल वाला मैडम, आपका काम है कि मास्क लगाना, ग्लव्स लगाना, देख रेख करना चाहिए करके। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब तो प्रकाश वराड़े साहब है, मैंने उनको फ़ोन लगा के उनसे उनकी बात करवाई। उसके उपरांत वो साफ से भैंसबाजी करने लगे और मेरा मोबाइल पकड़ के रोड के ऊपर फेंक दिए, जिसके कारण मेरा मोबाइल टूट के बिखर गया। मैंने अपने मोबाइल कलेक्ट करा तो भी मैडम मेरे से भैंसबाजी, मुँहबाजी करते जा रही थी और गाली गलौज करे जा रही थी, और अपने भाइयों को फ़ोन करके बुलाई उनने, उनके जो भी रिश्तेदार थे सब फटाफट आए और मेरे से मुँहबाजी करने। मैं फ़ोन अपना उठा के वहाँ से सोनू भैया को बोला कि चलो आप मेरे साथ में, तो वो वहीं रुके रहे। करियर भैया बोले आप चले जाओ, और मैं अपना फ़ोन उठा कर वहाँ से सीधा वायुसेना गेट की तरफ आगे निकला। जब मैं आगे जाने लगा तो सोनू भैया मेरे पास में आए गाड़ी लेके कि चलो करियर भैया मैं तुमको तुम्हारे वर्कर जो आगे केंद्रीय विद्यालय के पास में काम कर रहे हैं वो छोड़ देता हूँ। तो हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े नहीं तो मेरे पीछे में दो चार लोग गाड़ी लेकर आए, मेरे को कट मारे, गिराए नीचे में, और मैं जैसे ही अपना बैलेंस, अपना संतुलन संभालता, उन्होंने मेरे ऊपर में प्रहार करना और मेरी नाकों में फैट मारे, मेरे को गाली गलौज दे के, मेरे को मेरे साथ हाथापाई करके मेरी नाक फोड़ दी मेरा, जिसके कारण खून बहा। और ये वायुसेना गेट के सामने का व्याख्या है, केंद्र, ये वायुसेना गेट के सामने का व्याख्या। वहाँ से मैं उनके साथ में बाचाबाजी करते हुए और लोग उन लोगों ने बुला लिए, और केंद्रीय विद्यालय के गेट के सामने में और बाकी लोगों ने भी मेरे से वाद विवाद करे। वो गोकुल स्कूल है वायुसेना गेट के आगे में, एलईडी चौक के बाजू में पढ़ते हो, और वो रीना तिवारी करके मैडम, प्रिंसिपल मैडम का नाम है रीना तिवारी, और उनके जो दो तीन जो भाई लोग आए थे, रिश्तेदार आए थे मेरे से लड़ने के लिए, वो भी पहले बलात्कार के केस में और मर्डर केस में अंदर हो चुके हैं, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका। आए दिन कोविड योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। आरोग्य कर्मचारी कोविड 19 की जन जागृति कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पर लोगों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, ये बड़ी दुर्दैव की बात है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।